हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन. लगन आपकी, एडवाइस हमारी. दिस इज शिल्पा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है. सो आज है 15 दिसंबर 2022 और आज के क्या करंट अफेयर्स हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए. देखो, लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था. वो क्वेश्चन क्या था? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू डिप्टी सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश रिसेंटली. तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के न्यू डिप्टी सीएम को चयनित किया गया, वो कौन है? वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू. ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा. याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये जब इलेक्शन से क्वेश्चन पूछे तो ये बिल्कुल याद रखना है. अपॉइंटमेंट वगैरह से क्वेश्चन आते हैं तो ये बिल्कुल याद रखना है. ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू याद रखिएगा. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज? हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 2022 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर बाय वुमेन टेनिस एसोसिएशन. अब देखो यहाँ पे, तो किसे 2022 का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर बाय वुमेन टेनिस एसोसिएशन मिला है, मतलब इसे सेलेक्ट किया गया है? तो वो है पोलिश टेनिस प्लेयर ईगा स्वातिक. देख पा रहे हो इमेज में, ये है ईगा स्वातिक. तो ये जो है ये पोलैंड की है, टेनिस प्लेयर है, वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है. तो बारबोरा क्रेसिकोवा की बात करें तो ये सेज रिपब्लिक की है, और कैटरीना सिनिकोवा ये सेज रिपब्लिक है. ये दोनों का नाम जो आया है WTA 2022 डबल टीम ऑफ द ईयर, डबल टीम ऑफ ईयर का अगर पूछे दो लोगों का नाम तो सेज रिपब्लिक के हैं, याद रखिएगा, बारबोरा और कैटरीना. ओके, इनको डबल टीम ऑफ द ईयर में इनका नाम दर्ज हुआ है. उसके बाद अदर की बात करें, अदर जिनको अवार्ड्स मिले हैं वो कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर ऑफ द ईयर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर ऑफ द ईयर जिनको मिला है वो है बिट्रिस हदाद मैया, ये ब्राजील के हैं. न्यू कमर ऑफ द ईयर जेंग क्विनहेन को मिला है जो कि चाइनीज है. कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर जिनको मिला वो टर्जाना मारिया है जो कि जर्मन से है. ओके, इतना बेसिक फैक्ट हमें जानना जरूरी था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2. देखो, विच इंडियन फिल्म बैक 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड नॉमिनेशन. तो अभी किस इंडियन फिल्म को 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड नॉमिनेशन मिला है? तो इंडियन फिल्म है RRR, आप सभी ने देखी होगी. SS राजमौली की फिल्म है ये, इन्होंने डायरेक्ट करी इस मूवी को. ठीक है, तो इनको 2 कैटेगरी में मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जो कि 2023 जनवरी 2023 को मिलने वाला है. तो इनको नॉमिनेट किया गया है. ठीक है, तो द हॉलीवुड फॉरन प्रेस एसोसिएशन हैज नॉमिनेटेड RRR. तो हॉलीवुड फॉरन प्रेस एसोसिएशन जो है इन्होंने इसको नॉमिनेट किया है. ठीक है, तो ये जो फिल्म है इसको नॉमिनेट किया गया है 2 कैटेगरी में. ठीक है, फॉर बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म एंड फिल्म सॉन्ग नातू नातू, जो उनके बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है उसके लिए इनको मिला है. ओके, तो अभी हाल ही में हमने ये भी देखा था कि डायरेक्टर जो है SS राजमौली, तो इनको रिसीव हुआ था न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड ऑफ द फिल्म. ओके, तो ये याद रखना है. और RRR की बात करें तो यही एक इंडियन फिल्म है जो इंटरनेशनल अवार्ड कैटेगरी में नाम बनाई है अपना. ओके, याद रखिएगा इसको. तो RRR बेसिकली ये है क्या, इसमें ये जो है ये प्री इंडिपेंडेंस स्टोरी है जो किसके रियल लाइफ के इर्द गिर्द घूमती है, एक इंडियन रिवोल्यूशनरी के अराउंड घूमती रहती है. ठीक है, लूरी सीताराम राजू और कोनाराम भीम जो है 1920 के समय के काल के इर्द गिर्द यहाँ पे घूमा करती है. तो इसको बिल्कुल देखिए आप लोग. अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. देखो, हु हैज़ कन्फर्म दैट ही विल रिटायर आफ्टर फीफा वर्ल्ड कप 2022 फाइनल ऑन 18 दिसंबर. तो भाई, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है फाइनल हो जाएगा 18 दिसंबर तक, तो किन्होंने जो है अपना रिटायरमेंट कन्फर्म कर दिया है कि हाँ भैया अब हम रिटायर हो जाएंगे? तो भैया वो है मेसी. ठीक है, अर्जेंटीना फुटबॉलर है, फुटबॉल प्लेयर है लियोनल मेसी. इनके बिना आई थिंक वर्ल्ड कप फिर मज़ा नहीं आएगा, राइट? तो बेसिकली ये जो है रिटायरमेंट अपना लेने वाले हैं. ठीक है, याद रखिएगा इसको. और ये जो है इन्होंने ही इज़ प्लेइंग एट हिज 5th वर्ल्ड कप फीफा 2022 एंड हैज सरपास डिएगो मैराडोना एंड जेवियर मैसेजरानो. तो इन्होंने, इनका जो ये 5th वर्ल्ड कप रहेगा जो कि ये खेलेंगे, और उसके बाद इन्होंने किसको सरपास किया है? डिएगो मैराडोना को और जेवियर मैसेजरानो को, इनको इन्होंने जो है फॉरवर्ड करा है. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते क्वेश्चन 4. देखो, विच डिपार्टमेंट हैज लॉन्च वनीकरण प्रोजेक्ट टू रीस्टोर नेशनल वेजिटेशन. द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन एसोसिएशन विद नूल पूजा ग्राम पंचायत हैज लॉन्च द वनीकरण प्रोजेक्ट. तो अभी हाल ही में किस डिपार्टमेंट में अभी वनीकरण प्रोजेक्ट को लॉन्च करा है ताकि जो नेचुरल वेजिटेशन है उनको रीस्टोर कर सके, राइट? तो केरला का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने अभी ये लॉन्च करा है वनीकरण प्रोजेक्ट. तो आपसे वनीकरण प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा. ठीक है, तो किनके एसोसिएशन के साथ करा है इन्होंने? नूल पूजा ग्राम पंचायत है उनके साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च करा वनीकरण प्रोजेक्ट. ठीक है, वनीकरण मतलब एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन मतलब होता है, एक तो होता है डीफॉरेस्टेशन, एक होता है एफॉरेस्टेशन. डीफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को काटना है, एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को लगाना. ओके, तो केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऐसा करा है, वनीकरण प्रोजेक्ट को लॉन्च करा है. इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड बाई सुल्तान बथेरी फॉरेस्ट रेंज ऑफ वन एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वन एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व.
तो एग्जीक्यूट किया गया किनके द्वारा, सुल्तान बथेरी फॉरेस्ट रेंज ऑफ वायरन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के द्वारा। और ये सेंचुरी है कहाँ पर, ये इंटेग्रल पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इसका जो पिलर है वो क्या है, प्लांटिंग सैपलिंग्स ऑफ बम्बू, ओके, फुल फ्रूट्स प्लांट्स रहेंगे इसमें, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा इस प्रोजेक्ट में। अच्छा, यहाँ की बात कर ले, जब हमने बात हुआ केरला की बात की है, तो केरला के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केरला का कैपिटल क्या है, तो तिरुवंतापुरम है। सीएम कौन है यहाँ के, तो पिनराई विजयन है, ठीक है, पिनराई विजयन है। और गवर्नर कौन है, तो अरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। चलो, इतना बेसिक जानकारी हमें यहाँ मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हु कमीशन कैपेसिटी ऑफ 150 मेगावाट एंड 90 मेगावाट डेवी को सोलर पीवी प्रोजेक्ट एट जैसलमेर इन राजस्थान। तो अभी हाल ही में किसने जो है 150 मेगावाट और 90 मेगावाट देवी को सोलर पीवी प्रोजेक्ट को कमीशन कर दिया है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने की बात कर ली है, और कहाँ पे की है, जैसलमेर राजस्थान में। तो एनटीपीसी ने करा है, एनटीपीसी, ठीक है, याद रखिएगा, एनटीपीसी लिमिटेड ने, जो कंट्री का लार्जेस्ट पावर जनरेटर है, इन्होंने 1 GW क्रॉस कर लिया एनुअल कैपेसिटी इन द रेन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट बाई एडिंग इतना, यानी 1074.59 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन फिजिकल ईयर 2023, टेकिंग द टोटल एनटीपीसी नॉन फॉसिल कैपेसिटी टू 9.41%, ठीक है। तो इन्होंने जो है फिजिकल ईयर 2023 के लिए 1074.59 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन्होंने जो टारगेट इसको कंप्लीट कर लिया, अचीव कर लिया है, तो इसने जो है इसको कमीशन करा है, ठीक है। याद रखिएगा कितना कैपेसिटी, 150 मेगावाट और 90 मेगावाट देवी कोट सोलर पीवी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, एनटीपीसी की बात कर ले, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर। कब फाउंड किया गया, 7 नवंबर 1975 को इसको जो है फाउंड किया गया था, ठीक है। तो अभी एनटीपीसी के नया चेयरमैन मैंने आपको बताया है गुरदीप सिंह, ठीक है, ये नए सीईओ बने हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। विच काऊ ब्रीड हैज बीन सेलेक्टेड बाई उत्तराखंड गवर्नमेंट फॉर जेनेटिक एनहेंसमेंट। अभी किस काऊ ब्रीड को सेलेक्ट किया गया है एज अ जेनेटिक एनहेंसमेंट, मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जेनेटिक एनहेंसमेंट के लिए किस ब्रीड काऊ की ब्रीड को सेलेक्ट किया है, तो बद्री काऊ ब्रीड, इमेज में देख पा रहे हो, ये है पहाड़ की कामधेनु बद्री गाय लिखा हुआ है, तो ये जो है ये बद्री गाय है, ठीक है, बद्री काऊ ब्रीड है इनका। तो ये बेसिकली इसमें होगा क्या, देखो, तो बद्री काऊ, देसी काऊ की बात करें तो ये नेटिव काऊ है, कहाँ की, स्पीसीज ऑफ उत्तराखंड की, राइट। तो ये जो इसमें क्या होगा, सेक्स सॉर्टेड सीमेन होगा, और एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होता है, जिससे जो कैटल का प्रोडक्शन होता है उसको हम 10 ईयर स्टेट प्लान के अंदर इसको हम ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो बद्री फेस तो मैंने बताया आपको कि ये न्यू स्पीसीज है, नेटिव काऊ स्पीसीज है उत्तराखंड का। तो बद्री काऊ जो है ये फर्स्ट रजिस्टर्ड कैटल ब्रीड है उत्तराखंड का, ठीक है, जिसको सर्टिफाइड किया गया है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा, ओके। तो हिमालय के जो मेडिकल हर्ब्स होते हैं उसको ये खाती हैं, ग्रेस करती हैं, और ये टॉक्सिक पोल्यूशन से बहुत दूर होती हैं, जैसे कि पॉलीथीन हो गया या हार्मफुल थिंग्स हो गए जो काऊ को खाने पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो वो चीज़ों से दूर रहती हैं। और इनका जो मिल्क है वो बहुत, मतलब मेडिसिनल कंटेंट की बात करते हैं तो पूरा भरा होता है, हाई ऑर्गेनिक वैल्यू होता है इनके अंदर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना जानना हमें यहाँ ज़रूरी था कि किस ब्रीड की काऊ को सेलेक्ट किया गया है, तो बद्री काऊ ब्रीड को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। विच मिनिस्टर हैज़ अनाउंस अ न्यू ट्रेन काशी तमिल संगमम बिटवीन काशी एंड उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु टू कॉमेमोरेट द इनक्रेडिबल कल्चरल बिटवीन काशी एंड तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में किस मिनिस्टर ने इसको लॉन्च करा है, न्यू ट्रेन काशी तमिल संगमम, किसके बीच में, उत्तर प्रदेश के काशी से लेके तमिलनाडु तक, ठीक है, जो इनक्रेडिबल कल्चरल बॉन्ड है ना काशी और तमिलनाडु के बीच में, उसको एक मेंटेन करने के लिए, उसको कॉमेमोरेट करने के लिए इन्होंने अनाउंस करा। तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, देख पा रहे हो इमेज में, इन्होंने जो है इसको लॉन्च करा है, ठीक है, अनाउंस करा है। तो काशी तमिल संगम जो है ये एक यूनिक सेलिब्रेशन है दो कल्चर्स के बीच का। तो काशी तमिल संगमम की बात करें तो ये मंथ लॉन्ग प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था तब, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो कुछ संगमम की बात करें तो रिमार्केबल इवेंट है, मतलब बेसिकली जो नॉलेज है, आर्ट है, उसको एक्सचेंज करना, ठीक है। तो उन्होंने ये भी इन्फॉर्म करा, मतलब जो रेलवे मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये भी इन्फॉर्म करा कि भैया 7000 करोड़ जो है इसमें स्पेंड किया गया है ताकि जो वाराणसी स्टेशन है इसको रिवैम्प किया जाए, फिर से जो है एक बेस्ट बनाया जाए, इसको बेस्ट स्टेशन बनाया जाए पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो 7000 करोड़ मायने रखता भाई, इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करा गया जाएगा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस दोन अवार्ड फॉर द सेकेंड टाइम इन ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हाल ही में किसे दोन अवार्ड से नवाजा गया है, सेकेंड टाइम, मतलब ऑस्ट्रेलिया में सेकेंड टाइम ऐसा होने जा रहा है, तो वो है आसले बार्टी, ठीक है, इमेज में देख पा रहा हूँ ये है। तो इनको जो है द्रोन अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस एनुअल स्पोर्ट्स अवार्ड है ये, दून अवार्ड की बात करें तो ये जो अवार्ड है ये नेम किया था किनके नाम के द्वारा, कंट्री के लेजेंडर क्रिकेटर थे डॉन ब्रैडमैन, उनके नाम पे ये रखा गया था डोन अवार्ड, ठीक है, याद रखिएगा उसको। तो बेसिकली इनको जो है मिला है आसले बाटी, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल में इन्होंने नाम विनर रह चुकी हैं, जिन्होंने गजब का इंस्पिरेशन दिया हो कंट्री को थ्रू हर परफॉर्मेंस एंड एग्जाम्पल इन पास्ट ईयर्स। तो उनको ये दिया था बेसिकली, आसले बाटी को मिला है इस बार, याद रखिएगा इसको। ये सेकंड टाइम है जो बाटी को मतलब ये कोविटेड अवार्ड मिला है, इसके पहले इन्होंने 2019 में मिला था, ठीक है। तो ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग रह चुकी हैं, ठीक है। तो इतना हमें याद रखना है कि बेसिकली इस बार प्रेस्टीज डोन अवार्ड किसको मिला है, सेकंड टाइम मिला है ऑस्ट्रेलिया को, तो कौन ऑस्ट्रेलिया की, एस्ले बार्टी, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। WHO अपॉइंट्स हुम एज चीफ साइंटिस्ट टू रिप्लेस सौम्या स्वामीनाथन। तो अभी हाल ही में WHO ने किसे अपॉइंट किया एज अ चीफ साइंटिस्ट और किसको रिप्लेस कर दिया, सौम्या स्वामीनाथन जी को। तो WHO ने किसको अपॉइंट करा एज अ चीफ साइंटिस्ट, जेरेमी फरार को इन्होंने अपॉइंट करा है WHO ने, ठीक है। WHO मतलब समझते हो ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो WHO ने किसको अभी अपॉइंट करा है, जेरेमी फरार को, ठीक है, याद रखिएगा इसको। एंड विल ज्वाइन WHO इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2023। तो सेकंड क्वार्टर 2023 का शुरू होगा तब ज्वाइन करेंगे, और इन्होंने सौम्या स्वामीनाथन को रिप्लेस कर दिया है। ओके, प्रेजेंटली ये क्या सर्व कर रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ वेलकम ट्रस्ट को ये मतलब सर्व कर रहे हैं बेसिकली। WHO की बात करें तो यहाँ के डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस, इसको याद रखिएगा, टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बिल्कुल इसको भूलना नहीं है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है WHO का, जनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, कहाँ है, जनेवा स्विट्जरलैंड में। कब फाउंड हुआ था ये, 7 अप्रैल, डेट याद रखिएगा बिल्कुल, मैं 50 बार बोल रही हूँ, 7 अप्रैल 1948 को जो है ये फाउंड किया गया था। तो इसका डेट, इसके डायरेक्टर जनरल और इसका हेडक्वार्टर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है WHO का, और फुल फॉर्म तो बिल्कुल आता ही है, ठीक है, ये जान लिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 8th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन डैश फ्रॉम 21 to 24 जनवरी 2023। देखो 21 और 24 जनवरी 2023 तक 23 को क्या होगा, आपका इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा जो कि 8th एडिशन रहेगा इंडिया का। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, भोपाल में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका एम क्या है बेसिकली, टू शो द वेज हाउ साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स यानी कि स्टेम प्रोवाइड अस विद द सॉल्यूशन टू इम्प्रूव आवर लाइफ। तो बेसिकली स्टेम कैसे हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमारे लिए कैसा सॉल्यूशन लेके आता है ताकि हम अपने लाइफ को और इम्प्रूव कर सकें। तो बेसिकली इसका एम यही है, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात हो रही है। ओके, सबसे पहले जो ये हुआ था साइंस फेस्टिवल, ये 2015 में हुआ था दिल्ली में, ठीक है, अब जो होने जा रहा है भोपाल में होगा। तो अभी तक जो है 6th एडिशन इसका लॉन्च हो चुका, ऑर्गेनाइज हो चुका है नॉर्दर्न सदर्न और ईस्टर्न रीजन में कंट्री की, ठीक है। एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़े देखो लास्ट क्वेश्चन 2 है। 20th एडिशन ऑफ काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल हैज कंक्लूडेड इन। 20th एडिशन होने वाला है काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल, तो आप नाम से भी लगा सकते हो अंदाजा कि काठमांडू तो नेपाल में है ना, तो बेसिकली वहीं पे होगा, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। इस साल का थीम क्या है फिल्म फेस्ट का, सस्टेनेबल समिट, ठीक है, सस्टेनेबल समिट जो है इसका थीम रहेगा, ठीक है, ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। तो की फोकस जो है इस फिल्म फेस्ट का वो क्या रहेगा, किसके ऊपर रहेगा, माउंटेन कम्युनिटीज के ऊपर और जो कल्चर्स हैं नेपाली ऑडियंस का उनके ऊपर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा याद रखिएगा कैपिटल क्या है नेपाल का, तो काठमांडू है, यहाँ पर देखिए बेसिकली लिखा हुआ है, करेंसी यहाँ पर नेपाली रुपी है, और प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी, ठीक है, विद्या देवी भंडारी जो है यहाँ की प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर शेर बहादुर देवबा है, बिल्कुल याद रखना है इसको, ठीक है, शेर बहादुर देवबा जो है यहाँ के आपके प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच कंट्री हैज पास्ड अ न्यू एंटी स्मोकिंग लॉ विच बैन द फ्यूचर जनरेशन ऑफ न्यूजीलैंड फ्रॉम परचेजिंग टोबैको। एनजे मतलब न्यूजीलैंड, ठीक है, तो किस कंट्री ने पास करा है, तो न्यूजीलैंड ने पास करा है एंटी स्मोकिंग लॉज, ठीक है, समझ रहे हो, तो खतरनाक मतलब पास कर दिया है, न्यू कानून पास कर दिया है कि भाई एंटी स्मोकिंग लॉ कानून पास किया, एंटी स्मोकिंग लॉ पास किया, जो क्या कर देगा, जो फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है उनके लिए बैन कर दिया गया है कि भैया आप जो है टोबैको परचेज नहीं कर सकते, स्मोक नहीं कर सकते, राइट। तो दिस लॉ हैज़ बैन द सेलिंग टोबैको टू एनी वन बॉर्न ऑन और आफ्टर January 1, 2009 एंड पनिशेबल बाई फाइन अप टू $150,000 मतलब $95,910, ओ माई गॉड, तो इतना कौन पे करेगा भाई। तो 1 जनवरी 2009 के बाद से जो भी जन्म लिए हैं अगर वो ऐसा कंज्यूम करते हैं या टोबैको खरीदते हैं, ठीक है, या वो किसी भी तरीके से जो बेचता है, तो वो भी उसके ऊपर भी ये कानून लागू होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ये जो बैन है
तो एक पर्सन के होल लाइफ तक चलेगा, समझ रहे हो? मतलब ये नहीं कि छोड़ छाड़ जाएंगे, सब पूरा चलेगा। ठीक है, इतना जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। अब जाते जाते वो क्वेश्चन ऑफ द डे भी जाऊँ, क्वेश्चन क्या है। द यूनियन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, दैट इज कॉप 15, कन्वेंशन इन विच कंट्री। तो बेसिकली जो है यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है कॉप 15 जो है वो किस कंट्री में हुआ है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे, इसका आंसर मिलेगा आपको नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।